गहलोत एक्सप्रेस, तो इसके अंदर जो मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या क्या मिलता है। और यहाँ पर जो है आपको आइसक्रीम खाते हुए बहुत सारे लोग दिख जाएंगे, तो आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर जो है आइसक्रीम फ्री में बांटी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब लोग अपने आप अपने पैसों की खरीद के खाते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक फेमस आइसक्रीम स्पॉट है, ठीक है। यहाँ पर जो बहुत भीड़ रहती है, अभी दोपहर का टाइम है तो फिलहाल अभी जो है इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा 4 बजे के बाद जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो अभी जो है मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ किस किस तरह की यहाँ पर आइसक्रीम आपको मिलने वाली है। तो देख सकते हो यहाँ पर सॉफ्टी है, तो अभी जो है अंदर भरा हुआ है, तो आइसक्रीम मिलती है। तो देख सकते हो वनीला 25, स्ट्रॉबेरी 25 और बटर स्कॉच 30 और चोको चिप है 35, कुल्फी पेस्ट्री है 40 और खोया किशमिश है 40। तो देख सकते हो इस तरह से जो आपको ये आइसक्रीम मिलती है। तो यहाँ से जो आपको एक पर्ची मतलब टोकन मिलता है, उसके बाद जो आपको यहाँ पर टोकन देना पड़ता है, उसके बाद जो आप आइसक्रीम ले सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया आइसक्रीम का पॉइंट, और बाकी बेकरी के लिए जो है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें खा सकते हो, पनीर स्क्वायर खा सकते हो, पनीर पेटीज खा सकते हो, और स्टफ्ड बन पनीर खा सकते हो, पनीर टोस्ट खा सकते हो, और इनके प्राइजेज भी जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, तो यहाँ पर पेस्ट्री और डोनट्स भी रखे हुए हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट 50 रुपये की है और डोनट 30 रुपये का है, बटर स्कॉच वाली पेस्ट्री 35 रुपये की, और स्ट्रॉबेरी चीज़ है 60 रुपये की। और इससे आगे दिखाता हूँ तो ये है, बहुत सारी हैं, तो ब्राउनी पेस्ट्रीज है, किटकैट है, रेड वेलवेट है, ब्लैक फॉरेस्ट एगलेस है, पाइनएप्पल है, तो बहुत सारी वैरायटी है यार। तो वेज चीज़ बर्गर है 45 रुपये का, वेज हॉट डॉग है 45 का, और पनीर कुलचा है 35 रुपये का। तो ये कब से है दुकान यहाँ पर? ये 10 साल। 10 साल से है। अच्छा, तो इसकी टाइमिंग क्या रहती है खुलने की? इसके 8 बजे, सुबह 8 बजे से और रात के 12 बजे, रात के 12 बजे तक। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें मिलती है? जैसे तो ये आइसक्रीम हो गई, और ये सारे मिलते हैं सर, साउथ इंडियन, चाइनीज। अच्छा, वैसे फास्ट फूड वगैरह भी मिलता है, मतलब छोले भटूरे और जो भी आपका डोसा वगैरह, इडली वगैरह, सांभर वगैरह, केक है, बेकरी का केक वूक है सब। अच्छा, तो आपकी किचन वो है सामने, है ना? अच्छा, केक्स, और केक्स भी तो है, बर्थडे बनाने के लिए केक्स है यहाँ पर, बहुत सारे डिजाइन के केक है, देख सकते हो बारहवीं का केक है यहाँ पर। और किस रेंज से स्टार्ट हो जाते हैं भैया आपके केक? 150 से स्टार्ट है सर। 150 से स्टार्ट है। अच्छा, 150 वाला कौन सा है अभी बता सकते हो? अच्छा, ये वाला, ये 150 में है। 150 है। और इससे अपर रेंज में जो है 200 का बटर स्कॉच, 200 का वाला ये है। अच्छा, 280 का ये है, 280 का है, 300 का ये है, 300 का, 320 का ये है, चॉकलेट का कुछ भी हो। अच्छा अच्छा, और ये जो ब्लैक करंट में है नीचे, ये ब्लूबेरी है सर। अच्छा, ब्लूबेरी, 250 का। तो मतलब प्राइस जो है केक के वो बहुत बढ़िया है और बिल्कुल लो बजट में है प्राइस। और देख सकते हो खाने के लिए जो स्नैक्स वगैरह यहाँ पर प्राइस लिखे हुए हैं, मेन्यू थोड़ा सा फट चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो चाइनीज़ मिलेगा, साउथ इंडियन मिलेगा, शेक मिलेगा। अच्छा, तो देख सकते हो पनीर टिक्का और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वेज स्पेशल तंदूरी मिलेगा, नॉन वेज स्पेशल तंदूरी मिलेगा, वेज तंदूरी मोमोज, चिकन तंदूरी मोमोज, तो जो यहाँ पर प्राइस लिखे हैं आप देख लेना। और बाकी जो है आपको जो भी आपको खाना है यहाँ पर पैसे दीजिए, टोकन दीजिए, उसके बाद आप टोकन दे के और अपना टेबल पर खा सकते हैं। तो प्राइस रेंज के हिसाब से जो है बहुत बढ़िया है, ठीक है। और देख सकते हो ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या चीज़ है? चाइनीज रोल पनीर, और ये पनीर स्क्वायर है, पनीर स्क्वायर, और ये चीज भाई है, और ये स्टफन पनीर, क्या स्टफन पनीर, स्टफन पनीर। तो ये किस रेंज में? अरे 60 का है। अच्छा, 60 का, ये 40 का है। अच्छा, ये 30 का है, ये 45 का है। अच्छा, 45 का। तो मतलब देख सकते हो प्राइस रेंज जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है। हाँ, मतलब नॉर्मल है, मतलब मैंने देखा है कि यही जो सारी चीज़ें हैं, किसी और बेकरी पे जाओगे तो मतलब अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखोगे पनीर स्क्वायर भी देखोगे तो वो 70 रुपये का है वहाँ, और ये जो है 35 रुपीज़ का है यहाँ पर सीधा डायरेक्ट। मतलब और जो बेकरीज वाले क्या करते हैं, 70 रुपये बोल के 50% का डिस्काउंट लगा के वो जो है आपको 35 में देते हैं, लेकिन जो डायरेक्टली आपको यहाँ पर 35 रुपीज़ में आपको सीधा सारी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल रही है। तो हो सकता है कि इसी वजह से जो ये बेकरी फेमस है। तो यहाँ पर जो है मैं एक मैंगो वाली ले रहा हूँ, तो टोकन लेना पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ टोकन, मतलब पर्ची मिलती है एक 35 वाली, तो आपको इस तरह से पर्ची कटा के यहाँ पर देनी होती है। और ये लड़की बहुत ज़्यादा बहुत मेहनत करती है। नाम क्या है बेटा? निकिता। निकिता, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है सुबह से शाम तक। तो इसके साथ की जो 2-3 लड़कियाँ और हैं वो भी बेचारी इस तरह से मेहनत करती हैं। तो आइसक्रीम ले लिया मैंने, हाँ हाँ, बढ़िया टेस्ट है। और जो प्राइस है ना, प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है, इसी वजह से जो है शायद मेरे हिसाब से फेमस है ये। और देख सकते हो कितना टॉप अप करके दिया है इसने, मैं मतलब इतने प्राइस में कोई भी नहीं देता इतना भर भर के आइसक्रीम को। तो भैया यहाँ पर जो मैं दुकानें देख रहा हूँ आजू बाजू में, तो ये कौन सी आप ही की ब्रांच है? हाँ जी सर, ये हमारे गहलोत है, ये बहुत पुरानी। अच्छा, ये वाली जो है, ये वाली जो है इनकी पहली वाली ब्रांच है, सबसे पहली वाली है ये वाली, उसके बाद में ये वाली बनी है एक्सप्रेस करके।
और थर्ड वाली जो है CND करके, CND किसकी है? CND अगले बंद हो गया जस्ट, मतलब आपकी देखी। अच्छा, तो मतलब आपको मतलब देखा देखी करके उन्होंने खोल लिया। तो तीन दुकानें हो गई, मतलब एक आपकी ये वाली और एक ये वाली और एक वो, मतलब अलग है वो, मतलब लेकिन फेमस जो है सबसे ज़्यादा ये है और जो ग्राहक है वो सबसे ज़्यादा यहीं पे है। वैसे आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम सूरज नेगी है। सूरज नेगी, अच्छा। तो गेलोड पहली ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच इनकी ये एक्सप्रेस, गेलोड एक्सप्रेस। तो CND वाली जो ब्रांच है वो अलग है, ठीक है। तो दो गेलोड की दुकान है, एक वो एक ही।